वहीं कोरोना वायरस का इलाज सरकारी अस्पताल के साथ ही अब निजी अस्पतालों में भी संभव हो गया है। योगी सरकार ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब आपको सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कोविड संक्रमित का इलाज किया जाएगा। सरकार की तरफ से लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों की सूची जारी कर दी गई है, जहां इलाज की सुविधा उपलब्ध है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन सभी निजी अस्पतालों में पीपीई किट और इस बीच ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयां उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। और यही नहीं, यहां भर्ती होने वाले सभी मरीजों की सूचना लखनऊ में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध रहेगी। और ये सभी निजी अस्पताल कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह कार्य करेंगे। इस बीच आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि जिलाधिकारी लखनऊ की तरफ से जारी की गई सूची के आधार पर एडवांस न्यूरो एंड जनरल हॉस्पिटल, A1 हॉस्पिटल, अपोलो मेडिक्स, करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, फेहमीना हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर ब्लड बैंक, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल, किंग मेडिकल सेंटर और इस बीच ऐसे कई हॉस्पिटल जहां संजीवनी मेडिकल सेंटर और इस बीच आपको बता दें कि इन ऐसे हॉस्पिटल के नाम शामिल हैं जिनमें सभी निजी अस्पतालों में कुल 405 बेडों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से वेंटिलेटर के 45 और ऑक्सीजन के 360 बेड्स मौजूद हैं। आपको बता दें कोरोना वायरस का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ अब निजी अस्पतालों में भी संभव हो गया है। और ऐसे में लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों में अब इलाज बेहद ही संभव हो जाएगा। और यहां योगी सरकार के तहत कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब सिर्फ आप सभी को सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज संभव है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कोविड संक्रमित का इलाज किया जाएगा। सरकार की तरफ से लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों की सूची जारी कर दी गई है और ऐसे में जहां इलाज की सुविधा उपलब्ध है। और इसी के साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन सभी निजी अस्पतालों में पीपीई किट, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अन्य दवाइयां उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। आपको बता दें कि कोविड संक्रमितों का इलाज अब संभव हो चुका है। अब यहाँ योगी सरकार के तहत लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों में इलाज बेहद ही संभव बताया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।